नमस्कार, टॉप नाइन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करेंगे यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों की और रूस के ऑयल डिपो में हुए धमाकों की। इसके अलावा देखेंगे पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना अपने लक्ष्य से कितनी दूर है। रूस के कुर्स रीजन में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया। ड्रोन से किए गए हमले में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल पर मौजूद हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों में भीषण अटैक किए। हमले 39 ड्रोन से किए गए। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि 35 ड्रोन को मार गिराया गया। इसके अलावा खार्किव और डोनेस्क रीजन पर 4 गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल छोड़े गए। हमले में हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। रूस यूक्रेन सेनाओं के बीच 24 घंटे में 73 हिंसक झड़पें हुई। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अवदेवका और नोवो पावलेवका में रूस के हमलों में कमी आई है। 5 मिसाइल और 95 हवाई हमले यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर किए गए। डोनेस्क इलाके में रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। RIA नोवोत्स्की न्यूज एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना आगे बढ़ रही है। बखमुट के पश्चिम और सेरही से डोरेलोन में दोनों देशों के बीच भीषण जंग हो रही है। अब अवदीवका के बाद रूस की सेना आसपास के अन्य इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। रूस के खेंटीमासी इलाके में रूस की गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका हुआ है। हमले के बाद आग के लपटे उठते दिखाई दी। अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया। विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। रूस ने वुल्हेदार में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। हमले में कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमला फैब 500 से किया गया। फैब 500 एक तरह का बम है जिसका वजन 500 किलो होता है। हवाई हमले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। यूक्रेन के हमले में रूसी बक M1 मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। कई सैनिक घायल हुए हैं। डोनेस्क में रूसी सेना का कई इलाकों पर कब्जा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा, रूस के लिए खतरा बनने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पश्चिमी देशों के किसी भी इलाके को निशाना बना सकते हैं। और इसराइल फिलिस्तीन युद्ध में आज बात करेंगे कि बाइडेन ने क्यों कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत अब बर्दाश्त के बाहर है और यरूशलम में ऐतिहासिक कब्रिस्तान को किसने तोड़ा। इसके अलावा देखेंगे इसराइल ने अपने मेजर की मौत का बदला कैसे लिया। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा में इसराइल के हमलों में 85 लोग मारे गए और 130 घायल हुए। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 31,000 से ज्यादा हो गई जबकि घायलों की संख्या 73,000 पहुंच गई है। खान यूनिस में इसराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। IDF का दावा है कि हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन के साझा अभियान में 20 हमास के लड़ाके मारे गए। बचे हुए हमास लड़ाकों की तलाश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार इसराइल को सीधी चेतावनी दी। बाइडेन ने MSNBC चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम 30,000 और फिलिस्तीनियों का मारे जाना सहन नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि राफा पर इसराइल की योजना रेड लाइन है। यरूशलम में ऐतिहासिक कब्रिस्तान में बनी कब्रों पर लगे पत्थरों को इसराइल के सैनिकों ने तोड़ दिया है। ये कब्रिस्तान अलक्सा मस्जिद की पूर्वी दीवार के पास स्थित है। फिलिस्तीनी मीडिया सेंटर ने तोड़फोड़ का वीडियो भी जारी किया। गाजा के जबालिया में इसराइल की सेना ने 4 में से 3 पानी के कुओं को तोड़ दिया। ये जानकारी जबालिया के मेयर ने अल जजीरा को दी। गाजा में खाने और पीने के पानी की भारी कमी है। इसराइल पर इससे पहले राहत सामग्री रोकने का भी आरोप लग चुका है। हमास के लड़ाकों ने गाजा में इसराइल के सैनिकों पर हमला किया है। हमास लड़ाकों ने IED ब्लास्ट के जरिए सैनिकों पर अटैक किया। हमले में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने की खबर है। कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इसराइल की सेना के हमले में 7 बंधकों के मारे जाने की खबर है। हमास ने वीडियो जारी करके इसराइल पर यह आरोप लगाया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इन लोगों को बंधक बनाया था। हमास ने कुछ बंधकों के नाम भी जारी किए हैं। इसराइल की सेना ने हवाई हमले में हमास के लड़ाके को मार गिराया। सेना का दावा है कि मारे गए लड़ाके ने इसराइल के मेजर अमेशर बेन डेविड की जंग के दौरान हत्या की थी। IDF ने हमले का वीडियो भी जारी किया। गाजा में युद्ध विराम की संभावना खत्म होते ही इसराइल की सेना ने हमले तेज करने का नया प्लान बनाया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाजा में नए प्लान को लेकर बैठक की। बैठक में राफा को लेकर भी चर्चा की गई।
उधर रेड सी में हुती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटों में 37 ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों का अमेरिकी फौज ने कैसे जवाब दिया और हिजबुल्ला ने कहा कि रॉकेट्स की बौछार वॉर जोन में। इसके अलावा देखेंगे सीरिया में 60 विद्रोहियों की मौत कैसे हुई। उत्तरी इसराइल में माउंट मेरॉन एयरबेस पर हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किया। हिजबुल्ला की तरफ से 36 रॉकेट दागे गए। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सभी रॉकेट को मार गिराया गया। दक्षिण लेबनान में इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। IDF के लड़ाकू विमानों ने आयता अल शाब और खिरबत सलेम इलाके पर हमला किया। हमले में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। दक्षिण लेबनान के एक गांव में इसराइल की सेना के हवाई हमले में 5 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। सभी लोग एक परिवार के थे। इसराइल का कोई बयान इस घटना पर नहीं आया है। स्थानीय मीडिया ने लेबनान के सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी दी है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश फौजों ने रेड सी में हूती विद्रोहियों के दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन कमर्शियल जहाज और अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए छोड़े गए थे। हूती विद्रोहियों के मुताबिक रेड सी और अदन की खाड़ी में 37 ड्रोन से हमले किए गए। अमेरिकी कमांड सेंटर का दावा है कि 28 ड्रोन को मार गिराया गया। हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइल को बड़ी धमकी दी है। ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने कहा है कि रमजान के महीने में इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करेंगे। उधर मोसाद ने भी आने वाले दिनों पर हमास पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। तेल अवीव में PM नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के लोगों का प्रदर्शन जारी है। हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च निकाला और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में मार्च निकाला। हाथ में बैनर लिए हुए लोगों ने हाइड पार्क से अमेरिकी एम्बेसी तक मार्च किया। लोगों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन से की है। अर्दोगान ने कहा कि गाजा में उनके अपराध नाजियों से कम नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलिस्तीन के मामले में अब वो असफल हो गए हैं। सीरिया की आर्मी और विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प में 60 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। एलिपो और इदलिब में विद्रोही सीरिया की सेना के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। और आइए अब वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में देखते हैं कि क्यों फिर बढ़ी अजरबैजान आर्मेनिया में टेंशन और हैती को लेकर अमेरिका ने क्या कहा। हैती में एक महीने से चल रही हिंसा के बीच विद्रोही नेता गाय फिलिप ने PM एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग की और खुद राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। रॉयटर्स के साथ बातचीत में फिलिप ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां हैं वहीं रहे और हैती के लोगों को अपना भाग्य तय करने दें। हेनरी एक हफ्ते से केन्या में थे। समझा जा रहा है कि अब प्योर्टो रिको पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हैती को लेकर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से बात की। दोनों नेताओं ने हैती में मल्टीनेशनल सुरक्षा मिशन को हैती भेजने पर चर्चा की। अजरबैजान और आर्मेनिया में तनाव फिर बढ़ सकता है। अजरबैजान ने आर्मेनिया से उसके इलाकों पर से कब्जा छोड़ने की मांग की है। अजरबैजान ने दावा किया है कि सीमा पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उधर आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान ने उसके 31 गांवों पर कब्जा कर रखा है। मालदीव ने तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते से मालदीव ड्रोन की तैनाती शुरू करेगा। इससे पहले मालदीव और चीन के साथ रक्षा सहयोग समझौते की खबर आई थी। खरीदे गए ड्रोन की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के वॉरशिप HMS क्वीन में आग लग गई। डेली मेल के मुताबिक नाटो देशों की मिलिट्री ड्रिल के दौरान युद्धपोत में खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे ड्रिल से बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रमजान का महीना शुरू होने से पहले गाजा में युद्ध विराम की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। काहिरा में हो रही बैठक से इसराइल के बाद अब हमास ने भी बातचीत बंद कर दी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि रमजान से पहले युद्ध विराम की संभावना बेहद मुश्किल है।